इंडिया का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में से ये एक आइलैंड है और इसका कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान पर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर से इस साउथ सेंटिनल आइलैंड की दूरी कुल 50 किलोमीटर है। और ये आइलैंड जंगलों से भरा है और कुल 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कुछ वीडियोस फोटोज से पता चलता है कि इस आइलैंड के लोगों की स्किन डार्क ब्लैक शाइनी होती है। ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन अपनी गर्दन और कमर पर एक फाइबर की स्टिंग्स पहनते हैं। ये अपने साथ स्पेयर्स जैसा हथियार और धनुष बाण भी रखते हैं। और ये लोग छोटी बड़ी हट्स बनाकर उनके अंदर रहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 50 से 500 सेंटिनलीज लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। बताया जाता है वो अफ्रीकन लोग जिन्होंने लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किया था और यमन से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे थे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग इन्हीं अफ्रीकन्स लोगों के डिसेंडेंट हैं। बताया जाता है ये सेंटिनलीज लोग लगभग 10 से 30,000 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे और तभी से ही इस आइलैंड पर ही सिमट कर रह गए। ये लोग इस आइलैंड से बाहर कभी निकले ही नहीं। यही कारण है कि ये लोग आज के समय बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक्सीडेंटली या एक्सप्लोर करने बाहर से जब लोग पहुंचे तो इस आइलैंड के लोगों ने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया या ख़तरा समझा। 1867 में जब इंडियन मर्चेंट शिप इस आइलैंड पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तभी इस शिप में मौजूद लोगों पर ये सेंटिनलीज लोग धनुष बाण द्वारा हमला कर देते हैं, लेकिन रॉयल ब्रिटिश नेवी द्वारा इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन इस आइलैंड पर पहुँचते हैं, जिन्हें एक सेंटिनलीज कपल और उनके साथ 4 बच्चे दिखाई पड़ते हैं। मॉरिस पोर्टमैन इस पूरी फैमिली को किडनैप कर अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस कपल की मृत्यु हो जाती है। और ये देख इन 4 बच्चों को वापस इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कुछ गिफ्ट्स देकर छोड़ दिया जाता है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग इस आइलैंड के बाहर के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हजारों सालों से बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड रहने की वजह से इस आइलैंड के लोगों के शरीर में हमारी दुनिया में होने वाली डिसीज से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के लोगों से कॉन्टेक्ट करने या इनको समझने जानने की कोशिश नहीं की। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित अपने साथ 20 ऑफिशियल्स लोगों की टीम लेकर इस सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे थे, लेकिन उस समय इस आइलैंड के लोगों से इनका सामना नहीं हो पाया था। 1974 में अंडमान निकोबार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए एक क्रू वहां पहुंचता है। इस बार भी त्रिलोकनाथ पंडित इस क्रू के हिस्सा थे और इस क्रू ने आइलैंड के शोर पर गिफ्ट्स के तौर पर कुछ नारियल और एक जिंदा पिग भी रखा गया। कुछ देर बाद देखा जाता है कि सेंटिनलीज लोग आते हैं और उस पिग को मारकर सैंड में बरी कर देते हैं और इस फिल्म क्रू पर तीरों से हमला कर दिया जाता है। और फिर 1981 में फिर एक मर्चेंट शिप एक्सीडेंटली इस आइलैंड पर फंस जाती है और इस शिप पर भी तीरों से हमला कर दिया जाता है, लेकिन इस अटैक से शिप में मौजूद लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिप इन सेंटिनलीज लोगों की रेंज से दूर थी। फिर 1991 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चंद्रोपाध्याय अपने साथ एक छोटी सी टीम लेकर इस सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचती हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इस बार मधुमाला और उनकी टीम ने इन सेंटिनलीज लोगों के नज़दीक जाकर इनके हाथों में नारियल दिए और इन्होंने इजीली ले भी लिए और कोई वायलेंस देखने को नहीं मिला। ये पहली बार था कि इन सेंटिनलीज लोगों का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखा गया। फिर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी के बाद इस आइलैंड और इसमें रहने वाले सेंटिनलीज लोगों का मुआयना करने पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर पर ही तीरों से हमला कर दिया जाता है। फिर 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, उन्हें भी सेंटिनलीज लोगों द्वारा मार दिया जाता है।
फिर 2018 में जॉन एलन चाओ, एक अमेरिकन मिशनरी जिनकी उम्र 26 साल थी, ये इलीगली कुछ लोकल फिशरमैन की मदद से इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। जॉन एलन चाओ का मकसद इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना या सेंटिनलीज लोगों के बारे में जानना नहीं था, बल्कि जॉन एलन चाओ का मकसद था कि इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों को प्रीच करना और क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना। लेकिन इस आइलैंड के लोगों की भाषा सिर्फ यही सेंटिनलीज लोग जानते हैं। यहाँ तक कि इस आइलैंड के पड़ोसी आइलैंड अंडमान के दूसरे आइलैंड के लोग भी इन सेंटिनलीज लोगों की भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जॉन एलन चाओ ये सब जानते हुए भी इन लोगों को रिलीजन के बारे में प्रीच करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली जॉन एलन चाओ को इन सेंटिनलीज लोगों द्वारा मार दिया जाता है। वो लोकल फिशरमैन जिसकी मदद से जॉन इस आइलैंड तक पहुंचे थे, उसने दूर से कुछ सेंटिनलीज लोगों को एक बॉडी रेत में बरी करते देखा। कपड़ों से पता चलता है कि वो बॉडी जॉन एलन चाओ की थी। द अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब एक्ट 1956, इस एक्ट के तहत इस आइलैंड पर ट्रेवल करना और 5 नॉटिकल यानी 9.3 किलोमीटर से ज्यादा इस आइलैंड के नजदीक जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये थी इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जुड़ी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।